तुमने अपनी 12th कंप्लीट कर लिया और उसके बाद तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड की तरफ ही जाना है। अब ये करने के लिए तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो तुम बीटेक कर लो, या तुम बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लो, या फिर तुम बीसीए कर लो। अब इसमें से क्या तुम्हें चूज करना चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तुम रैंडमली कॉइन टॉस करके या फिर टिप टैप टो करके तुम नहीं डिसाइड कर सकते कि तुम्हें कौन सी डिग्री करनी है। एंड इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि फ्यूचर में कौन सी डिग्री का स्कोप ज्यादा होगा, किसमें तुम्हें एक्चुअली स्किल्स सीखने को मिल रहे होते हैं, एंड कौन से तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अब ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसमें तुम्हें सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कौन सी डिग्री करने से तुम क्या चीज आगे अचीव कर सकते हो, कौन सी फील्ड्स में जा सकते हो, किस टाइप के तुम्हें जॉब्स मिलती हैं, किस टाइप के तुम्हें रोल्स मिलते हैं, क्या तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरीज हो सकती हैं, एंड तुम्हारा इनिशियल कैपिटल कितना लगता है हर डिग्री को करने के लिए एवरेज। तो ये सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फिर समझ, जिसने भी 12th पास करी है, फिर तुम्हारी फैमिली में किसी ने 12th पास करी है, उनको कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना है, तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम एंड इसको एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, मैं शान चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बीटेक, बीएससी एंड बीसीए में क्या डिफरेंस होता है। अब बीटेक एक 4 साल की प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री होती है, इसमें तुम्हें इंजीनियरिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, ये सारी चीजों में डीप डाउन कर सकते हो। अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की साइड जाना है तो बीटेक इज द डिग्री फॉर यू। नेक्स्ट डिग्री आती है बीसीए। बीसीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल डिग्री होती है। अब यहाँ पे तुम्हें इन डेप्थ चीजें ज्यादा नहीं सिखाई जाती हैं, बट तुम्हें बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग सिखा दिया जाता है। इसके साथ साथ तुम्हें आईटी के लिए ज्यादा ट्रेन किया जाता है, रादर देन डीप डाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या IoT जैसे सब्जेक्ट के लिए। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट तो है लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करना है, ऊपर से सारी चीजों को सीखना है, तो बीसीए कैन बी अ डिग्री फॉर यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट आ जाती है बीएससी, होती है बैचलर्स ऑफ साइंस। अब इसके अंदर तुम बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। ये भी 3 साल की डिग्री होती है, लेकिन इसके अंदर थ्योरी रिलेटेड सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। वो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं जिनको आगे जाके रिसर्च में काम करना होता है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अब इन सब डिग्रीज को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं कि करिकुलम क्या होता है, सैलरी प्रोग्रेशन क्या होता है, एंट्री लेवल सैलरी क्या मिल रही होती है, इसके साथ साथ तुम्हारे पास करियर ऑप्शंस क्या होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ईच ऑफ दीज डिग्रीज। सबसे पहले बीटेक की बात कर लेते हैं। बीटेक के अंदर भी करियर एंड प्रोफाइल्स क्या तुम चूज कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री, उनकी बात कर लेते हैं। अब बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें तुम बहुत सारी चीजें इन डेप्थ पढ़ रहे होते हो, 4 साल की प्रॉपर डिग्री होती है, एंड इसके बाद तुम बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। तुम इसके बाद तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, डेटा साइंस इंजीनियर बन सकते हो, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, आईटी कंसल्टेंट बन सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, और हार्डवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो। अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इंटरेस्ट है तो बीटेक तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। एडिशनली ये डिग्री तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एडवांस रिसर्च की भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर देता है, एंड तुम एडवांस फील्ड जैसे AI, मशीन लर्निंग, IoT या फिर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो तो तुम इसके बाद इसमें मास्टर्स भी कर सकते हो, एंड इट इज ईजियर टू गो फॉर मास्टर्स फ्रॉम योर बैचलर्स डिग्री, क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बेसिक्स पढ़ ली होती हैं, क्योंकि तुम्हारे पास 4 साल होते हैं एंड साथ साथ तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिल जाता है। अब एवरेज सैलरी की बात कर ले तो एवरेज इंजीनियर जब ग्रेजुएट करता है तो उसकी सैलरी 4 से 6 लाख के आसपास होती है, इफ यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलेज। अगर तुम किसी IIT या NIT या फिर टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट करते हो एंड तुम्हारे कैंपस में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही होती हैं, तो तुम्हारा एवरेज पैकेज 15 लाख से 20 लाख तक कहीं पे भी हो सकता है, एंड ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को इससे ज्यादा भी मिलता है। एंड इसके साथ साथ अगर तुम और एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, तो तुम्हारी सैलरी काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होती है। और समवन हू इज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अ फैंग लेवल कंपनी, उसकी एवरेज सैलरी अगर तुम देखोगे तो 1 से 1.5 करोड़ के आसपास होती है इन 1 ईयर। अगर करिकुलम की बात कर ले, तुम्हारी स्क्रीन पर कुछ सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, मोस्टली ये सब पढ़ाए जाते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, तो डिटेल में अगर तुम्हें चेक करना हो तो तुम गूगल कर सकते हो, किसी भी कॉलेज का करिकुलम वहाँ पे डाल रखा होता है, एंड हर कॉलेज का करिकुलम अलग अलग हो सकता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो होते हैं, इसके अलावा काफी सारे कोर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, माइक्रो प्रोसेसर्स हो गए, ये सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो और इन डेप्थ होते हैं। इसके अलावा डिजिटल लॉजिक डिजाइन हो गया, एंड काफी सारे सब्जेक्ट्स वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस भी अलग अलग तरीके की होती है, हर कॉलेज में डिफरेंट होती है। तो सबसे बेसिक होते हैं, बेसिकली तुम्हारी 2 होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है, इसमें तुम्हारा थोड़ा सा ईसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो मैंने खुद करी हुई है। एक होती है तुम्हारी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें मोस्टली जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड होते हैं, एंड इसके अंदर तुम्हारे ईसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स इतने नहीं होते हैं। अब इसके साथ साथ बहुत सारी स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस भी आ गई हैं, जैसे CSAI हो गया, CSDS हो गया, तुम्हारी कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस होती है, ऐसी और भी बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं।
तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि तुम कोर कंप्यूटर साइंस लो, क्योंकि सब में इलेक्टिव्स का ऑप्शन होता है, उसके बाद तुम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें CSAI इतना ज़्यादा ना इंटरेस्ट करे, बाद में तुम्हें लगे यार मेरे को साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड में जाना था, या फिर मेरे को मशीन लर्निंग इतना नहीं पसंद है, मेरे को एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, फिर मेरे को IoT वाली साइड जाना है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा अगर तुम कोर CSE लेते हो तो। अगर तुम BTech कर रहे हो तो ट्राई करो Tier 1 कॉलेज से ही करो, Tier 2 कॉलेजेस से भी कर सकते हो कुछ, या फिर कुछ न्यू एज कॉलेजेस से कर सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि Tier 3 कॉलेज से मत करो। इससे अच्छा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तुम BCA या BSc कर सकते हो, जिसकी ज़्यादा कंपेरेटिवली वैल्यू होगी। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो 5 लाख से 30 लाख के आसपास तुम्हारी फीस वेरी करती है। अब अगर तुम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करोगे तो वहाँ पे अप्रॉक्स तुम्हारी 5 से 10 लाख फीस होती है पर सेमेस्टर, तुम्हें अराउंड 1 से 1.5 लाख के आसपास फीस देनी होती है। ऑन द अदर हैंड अगर तुम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाओगे तो तुम्हें एनीवेयर फ्रॉम 16 लाख से 35 लाख तक फीस देनी पड़ सकती है। जैसे अगर तुम बिट्स की बात करोगे तो वहाँ पर टोटल फीस जो तुम्हारी बनती है 25 से 30 लाख के आसपास बनती है। थापर की तुम बात करोगे तो वहाँ पर भी 35-36 लाख तुम्हारी फीस बनती है। इसके अलावा अगर तुम मणिपाल की बात करते हो, VIT की बात करते हो, यहाँ पर भी तुम्हारी फीस इसी रेंज में पड़ रही होती है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं BCA पे। अब BCA करने के बाद भी तुम्हारे पास करियर ऑप्शन जो होते हैं वो काफ़ी सिमिलर मिल जाते हैं BTech के, बट तुम्हारी एंट्री लेवल जॉब्स या फिर एंट्री लेवल सैलरी थोड़ी कंपेरेटिवली कम होती है, या फिर तुम जो बिग MNCs होती हैं वहाँ पर तुम काफ़ी बार एलिजिबल नहीं होते, अगर होते हो तो वहाँ तुम्हारा हायरिंग बार थोड़ा सा हाई होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग BCA तुम इनमें से कोई भी रोल में जा सकते हो, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट, मोबाइल ऐप डेवलपर एंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। अगर सैलरी की बात करें तो BCA ग्रेजुएट्स की जो एवरेज सैलरी होती है वो 3 से 6 LPA के आसपास रेंज कर रही होती है, बट अगर तुम कुछ स्पेशलाइज स्किल्स में मास्टर कर लेते हो, जैसे AI हो गया, डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तो उसके बाद जो तुम्हारी सैलरी है वो इससे ज्यादा हो सकती है, एंड साथ साथ तुम्हारी जो सैलरी प्रोग्रेशन है वो भी काफी फास्ट हो सकता है। अब BCA में करिकुलम की बात करें तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है, तुम्हारे सब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, जावा, C++, पाइथन, देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है, वेब टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाया जाता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिखाया जाता है, एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें IT इंडस्ट्री के रोल्स के लिए रेडी कर देता है। बट BCA में तुम्हें स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई वुड रिकमेंड अगर तुमने BCA स्टार्ट कर दिया है, तुम सोच रहे हो BCA चला रहता हूँ क्योंकि मेरे को BTech के लिए एक अच्छा Tier 1 कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो गो फॉर इट। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने ज़्यादा हैकाथॉन्स में जा सकते हो उतने हैकाथॉन्स में जाना है, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना सकते हो उतने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एंड साथ साथ बिल्ड इन पब्लिक। इसके अलावा तुम्हें अपने स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा, जो स्पेशलाइजेशंस मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी एक को पकड़ो, एंड उसमें जितने सारे सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं कर लो, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब BTech एंड BCA में एक बड़ा फर्क यह है कि BTech कॉम्प्रिहेंसिव डिग्री है, यहाँ पर तुम्हें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, साथ साथ जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बहुत इनडेप्थ पढ़ाई जाती हैं। BCA में मोस्टली चीज़ें एप्लीकेशन लेयर तक पढ़ाई जाती हैं कि होता कैसे है ये इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं सिखाया जाता है, बस क्या करना है वो सिखाया जाता है, अगर तुम्हें मैं आसान भाषा में समझाऊं तो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुमने BCA करी तुम BTech वाले रोल्स में अप्लाई नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट स्किल्स। तुम अगर BCA भी कर लेते हो उसके बाद भी तुम बहुत सारी कंपनीज के लिए एलिजिबल होते हो। Amazon BCA BSc वाले लोगों को भी अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देता है, काफ़ी कंपनीज नहीं देती हैं, बट उसके बाद तुम एक चीज़ और कर सकते हो, दैट इज MCA। BCA करने का अगर तुम MCA करते हो तो यू आर इक्विवेलेंट टू एन इंजीनियर जिसने 4 साल की डिग्री करी है। यू विल टेक 1 more extra year, बट इफ यू डू इट फ्रॉम अ Tier 1 कॉलेज जैसे NITs में तुम्हारी MCA होती है तो तुम एट पार आ जाते हो, तुम्हें ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं अच्छे MNCs में काम करने के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम कॉस्ट की बात करें तो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल होता है अगर तुम BCA करते हो रादर देन BTech, जहां पर तुम्हारी फीस पड़ेगी वो 3 साल में मिला के अराउंड 3 से 4 लाख के आसपास पड़ सकती है अगर तुम एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो। अब फीस वेरी कर सकते हो, तुम एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चूज करते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट चूज करते हो, या फिर तुम रेगुलर से करते हो, पार्ट टाइम करते हो, या फिर डिस्टेंट में कर रहे होते हो, तो सबकी फीस एक बार ही बता देता हूँ। अगर तुम एक रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो तो तुम्हें 40,000 से 2 लाख के आसपास का एनुअल बजट रखना पड़ेगा। अगर तुम पार्ट टाइम कर रहे हो तो 60,000 से 2.5 लाख के आसपास तुम्हें एनुअल बजट अपना रखना पड़ेगा। अगर तुम डिस्टेंट लर्निंग से कर रहे हो तो अप्रॉक्स 7,500 से लेके 77,000 के आसपास तुम्हारा पूरा ईयर हो जाएगा। तो तुम इसको जब कंबाइन करोगे तो एनीवेयर बिटवीन 2 to 6-7 lakhs में तुम्हारी BCA कंप्लीट हो जाएगी। अब लास्ट आ जाते हैं BSc कंप्यूटर साइंस पे। अब BSc करने के बाद एक तो तुम टीचर बन सकते हो, एक तुम प्रोफेसर बन सकते हो अगर तुम इसके बाद मास्टर्स एंड PhD कर लेते हो, ये तो तुम्हारे पास 2 करियर ऑप्शंस हो गए। अब IT फील्ड में क्या क्या तुम्हारे पास करियर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तुम IT कंसल्टिंग कर सकते हो, एक तुम डेटा एनालिसिस वाले रोल्स के लिए जा सकते हो, एंड फाइनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाले रोल्स के लिए भी जा सकते हो। BSc करने के बाद भी बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली साइड चले जाते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट 1 out of 100 people लाइक डू इट। सो इट इज वेरी 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 हार्ड टू गो फ्रॉम BSc
टू दिस। अब बेसिक ग्रेजुएट्स की एवरेज सैलरी 2 लाख से 5 लाख के आसपास होती है, बट अगर तुम हायर क्वालिफिकेशन कर लेते हो, अपने स्किल्स पर फोकस कर लेते हो, सिमिलर टू BCA, देन तुम्हारी सैलरी से ज्यादा हो सकती है। अगर तुम कोई भी स्पेशलाइजेशन उठा लो, चाहे AI, डेटा साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी, एनी ऑफ दीज स्पेशलाइजेशन, देन तुम्हारी सैलरी से ज्यादा आराम से हो सकती है। अब थोड़ा करिकुलम की बात कर लेते हैं। तो BSc कंप्यूटर साइंस में तुम्हें थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें एक्चुअली याद करनी पड़ेंगी, क्रैम्प करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। तो सब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके के होते हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड साथ साथ डेटाबेसिस भी होता है, बट बहुत ही ऊपर ऊपर से तुम्हें चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इनडेप्थ नहीं पढ़ाई जाती BTech की तरह। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, बट इससे तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी मोस्ट प्रोबेबली, तो तुम्हें अपने स्किल्स पे खुद से फोकस करना पड़ेगा। जो चीज़ BTech एंड BCA वाले लोग करते हैं, सिमिलरली तुम्हें भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्किल्स पे ध्यान दो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़ो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, हैकाथॉन्स में जाओ, डू ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल ऑल्सो गेट अ वेरी गुड जॉब एट द एंड ऑफ योर डिग्री। बट इट इज मच 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 मोर टफ फॉर अ BSc स्टूडेंट टू गेट अ जॉब डायरेक्टली आफ्टर BSc। एक इंपॉर्टेंट चीज और तुम्हें देखनी पड़ेगी, अगर तुम एक टीयर 1 कॉलेज से कर रहे हो BSc, फॉर एग्जांपल अगर तुम सेंट स्टीफन से कर रहे हो दिल्ली में, या फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में कर रहे हो, या फिर फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से कर रहे हो, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, तुम्हारा एल्यूमिनाई नेटवर्क ज्यादा बढ़िया होगा, तुम्हें इंटर्नशिप्स मिलने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, ज्यादा लोगों ने वहां से क्या पता मास्टर्स कर रखी हो, बाहर जाके MS कर रखी हो, तुम्हारे पास कनेक्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन टीयर 2 BSc में इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। इट्स ऑलवेज बेटर टू डू BTech फ्रॉम अ टीयर 2 कॉलेज दैन डूइंग BSc फ्रॉम अ टीयर 2 कॉलेज। ये तुम्हारी लास्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है देन डू दिस। अब अगर कॉस्ट की बात कर लेते हो, तुम्हें 10,000 से लेकर 2 लाख तक की पूरी तुम्हारी डिग्री की कॉस्ट पड़ेगी, एंड इसमें भी सिमिलरली गवर्नमेंट की थोड़ी कम होगी, प्राइवेट की थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब गवर्नमेंट की जो फीस होती है BSc के लिए बहुत ज्यादा कम होती है, 500 से लेकर 30,000 रुपए तक तुम्हारी पूरी फीस हो सकती है। 3 साल की अगर तुम लोगे तो 1 लाख के अंडर तुम्हारी गवर्नमेंट की फीस पड़ेगी। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करोगे तो 18,000 से 45,000 के अराउंड तुम्हारी पड़ती है फीस पर ईयर, एंड अगर तुम डिस्टेंट लर्निंग की बात करोगे तो तुम्हारी टोटल फीस अराउंड 50-60,000 तक ही पड़ेगी। अब इसलिए जब तुम डिग्री चूज कर रहे हो तो सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन कर लेना, क्या चीज़ है, कैसा तुम्हारा एल्यूमिनाई नेटवर्क है, कैसी प्लेसमेंट्स होती हैं, डायरेक्टली कंपनीज आती हैं नहीं आती हैं, क्या चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जाती हैं, कितनी तुम्हारी फीस है, ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे लिए। बाकी यार इंटरनेट एरा में देर इज़ नथिंग दैट यू कांट डू। अगर तुम सोच लो कि मेरे को ये चीज़ करनी है तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो, इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड यू पुट योर 100%। 1 साल बैठ के कहीं पे भी मेहनत करोगे, कुछ भी करना चाहोगे तुम कर लोगे। एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ट्रेडिशनल कॉलेजेस वर्सेस न्यू एज कॉलेजेस। अब ट्रेडिशनल कॉलेजेस में अगर तुम एक टीयर 1 कॉलेज क्रैक कर लेते हो, नथिंग बेटर देन दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें बिट्स मिल रहा है, अगर तुम्हें IITs मिल रहे हैं, NITs मिल रहे हैं टॉप के, गो फॉर इट, डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। अगर तुम्हें वहाँ पे अपनी मनपसंद ब्रांच मिल रही है तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। डोंट लिसन टू anyone, जस्ट गो फॉर इट, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। तुम्हें एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा, सीनियर जूनियर मेंटरशिप बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे तुम एक्चुअली चीज़ें सीख पाओगे, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स तुम्हें मिल जाती हैं। बट अगर तुम एक टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज में जा रहे हो इंजीनियरिंग करने के लिए, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट न्यू एज कॉलेजेस, बिकॉज न्यू एज कॉलेजेस में करिकुलम काफी बेटर है, वो तुम्हें इंडस्ट्री के लिए रेडी करना चाहते हैं। एंड आई एम ऑल्सो बिल्डिंग अ न्यू एज कॉलेज कॉल्ड वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं, जो करिकुलम है हमने बहुत ज़्यादा CS सेंट्रिक बनाया है, साथ साथ हमने यहाँ पे एक इनोवेशन लैब बनाई है। भाई दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स, इट इज़ माय फेवरेट पार्ट, एंड वहाँ पे तुम्हें एक्चुअली उन टेक्नोलॉजीज के साथ चीज़ें बिल्ड करने का मौका मिल रहा होगा जो जनरली किसी कॉलेज में नहीं मिलता है। तुम्हें एप्पल विजन प्रो यूज़ करने का मौका मिलेगा, तुम्हारे पास हाई एंड PCs होंगे, तुम ड्रोन्स बना सकते हो, तुम अपने रोबोटिक आर्म्स बना सकते हो, तुम एक्चुअली रोवर्स बना सकते हो, एंड साथ साथ तुम्हें 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग मिल सकती है कॉलेज में। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन गेट एट अ न्यू एज कॉलेज, एंड वेदम इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अदर्स। सेलेक्शन रेट कंपेरेटिवली कम होता है, इट्स नॉट लाइक अ प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे तुम फीस दो और तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यूज होता है, एंड देर इज अ लॉन्ग प्रोसेस टू गेट इन। एंड फीस की बात करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है टू अ प्राइवेट कॉलेज। टीयर 2 कॉलेजेस, काफ़ी गवर्नमेंट टीयर 2 कॉलेजेस भी हैं, अगर तुम्हें वो मिल रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार आई कांट पे दिस मच फीस, देन यू कैन डेफिनेटली गो देयर। अब फीस इतनी ज़्यादा क्यों होती है इसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट मेजर रीज़न ये है कि जो एक्चुअली पढ़ा रहे हैं वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे कुछ एक्स सैलरी ले रहे होंगे, उन लोगों को तुम्हें पढ़ाने के लिए कन्विंस करने के लिए तुम्हें अच्छा खासा पे करना पड़ता है। जो तुम्हारे मेंटर्स आते हैं वो एक्चुअली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनीज में काम करते हैं, एंड साथ साथ इंफ्रा की अगर तुम बात करोगे तो यू विल सी द डिफरेंस। ज़्यादा भावुक नहीं होते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, बट यार डेफिनेटली चेक आउट न्यू एज कॉलेजेस एज वेल। अब लास्ट क्वेश्चन है कि विच डिग्री यू शुड चूज। इसमें बेसिक मैं अपना ओपिनियन तुम्हें बता देता हूँ, इसके अलावा तुम फाइनली खुद डिसाइड करो, पेरेंट्स के साथ बात करो, एंड देन फाइनल डिसीजन लो।
मेरे हिसाब से अगर तुम्हें एक टीयर वन कॉलेज मिल रहा है बीटेक के लिए, या टीयर 1.5 टीयर 2 तक भी बीटेक के लिए कॉलेज मिल रहा है, तुम्हें लगता है कि यार ठीक है आई विल वर्क हार्ड, मेरे को कंप्यूटर साइंस में या फिर किसी भी एक्स वाई जेड इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है एंड आई विल बी इन द टॉप 10% इन द कंट्री, गो फॉर इट, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। अगर तुम अपने आप को टॉप 10% में रख सकते हो आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इन द टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस, दैट मीन्स अगर लाख बच्चे इन कॉलेजेस में सेलेक्ट हो रहे हैं, तुम 10,000 में आ रहे हो, तो तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है, तुम आराम से कोई भी कंपनी क्रैक कर पाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट इफ़ यू थिंक यार मैं इसमें से किसी कॉलेज को क्रैक नहीं कर सकता हूँ, एंड अगर मैं जाऊँगा भी तो किसी बहुत बेकार कॉलेज में जाऊँगा, वहाँ पे मैं टॉप भी कर लूँगा बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, इट्स बेटर टू डू अ BCA। एक साल तुम्हें कम डिग्री करनी पड़ेगी, हो सकता है तुम्हें इंटरेस्ट ना हो, तुम किसी और चीज़ में जा सकते हो करने को, एंड तुम्हें एक बेटर कॉलेज भी मिल सकता है। तो ऑलवेज प्रेफर अ बेटर कॉलेज इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड स्ट्रीम एंड द डिजायर्ड कॉलेज, तो तुम डिग्री शिफ्ट कर सकते हो बट एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। सेम इज़ द केस विद BSc। अगर BSc तुम्हें टीयर 1 कॉलेज में नहीं मिल रही है तो नहीं फ़ायदा है करने का, रादर देन डू BTech फ्रॉम अ टीयर 2 कॉलेज। सो पहले अपने जितने भी तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं उनको लिस्ट डाउन करो, चेक करो कितने पुराने हैं, उनमें प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज क्या आती हैं, एवरेज पैकेजेस क्या होते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, तुम्हें उसमें से कितनी चीज़ों में इंटरेस्ट है। ट्राई टू टॉक टू पीपल जो एक्चुअली वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, अभी वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, लिंक्डइन पे तुम चेक कर सकते हैं, एंड देन फाइनली डिसाइड सारे ऑप्शंस में से कि तुम्हें क्या करना चाहिए। दैट इज इट यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट तुम्हारा रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, इफ यू वॉन्ट अ वीडियो एंड अ स्पेसिफिक टॉपिक वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई एम निशांत चाहर साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।